हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू पीपल एजुकेशन स्कूल क्लास वन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर इंग्लिश, दैट इज द बिग कैरेट। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कैरेट मतलब गाजर। सो इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह एक फैमिली ने अपने फार्म में एक बड़ा सा कैरेट ग्रो किया था। सो लेट अस स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, लेट अस नो वेदर द गिवन पिक्चर्स आर फ्रूट और वेजिटेबल्स। वी विल राइट एफ फॉर फ्रूट एंड वी फॉर वेजिटेबल्स। सो स्टूडेंट्स, अवर फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ लेडी फिंगर। जो पहला पिक्चर है वो है भिंडी का। सो वी ऑल नो दैट जो भिंडी है वो क्या है स्टूडेंट्स, वेजिटेबल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी। सेकेंड पिक्चर इज ऑफ बनाना, और बनाना क्या है, बनाना है एक फ्रूट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ। द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ कैप्सिकम। कैप्सिकम भी स्टूडेंट्स एक तरह का वेजिटेबल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी। एंड द लास्ट वन इज ऑफ पाइनएप्पल, एंड पाइनएप्पल इज अ फ्रूट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ। सो स्टूडेंट्स, लेट अस मूव फॉरवर्ड। ग्रैंडपा लव्स टू ग्रो कैरेट्स। वंस ही प्लांटेड सम कैरेट सीड्स। One of them grew into very big carrot. It grew as big as grandpa. तो यहाँ पर एक grandpa थे जिन्हें carrots मतलब गाजर grow करना बहुत ज़्यादा पसंद था। एक बार उन्होंने अपने farm में कुछ carrot के seeds grow करना शुरू किया, पर उसमें से एक carrot बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। कितना बड़ा था वो कैरेट, ग्रैंडपा के जितना। टाइम टू पुल इट आउट, सेड ग्रैंडपा। ही पुल्ड ऑन द कैरेट टॉप। ही पुल्ड वेरी हार्ड बट द कैरेट वुड नॉट कम आउट। एज द टाइम पासिस, एक दिन ग्रैंडपा ने बोला कि अब इसे बाहर निकालने का टाइम आ गया है, और ग्रैंडपा ने बहुत जोर से उस कैरेट टॉप को निकालने की कोशिश की। ही पुल्ड वेरी हार्ड। यहाँ पे बच्चों पुल्ड का मतलब क्या होता है, पुल्ड मतलब खींचना। ही पुल्ड वेरी हार्ड बट द कैरेट वुड नॉट कम आउट। उन्होंने बहुत जोर से उसे खींचने की कोशिश की पर कैरेट बाहर आया नहीं। Grandpa came to help. She pulled on Grandpa. Grandpa pulled on the carrot top, but the carrot would not come out. फिर क्या हुआ, जब Grandpa से carrot नहीं निकला तो Grandma उनकी मदद करने के लिए आई। Grandma ने क्या किया, Grandma ने दादाजी को Grandpa को पीछे से खींचा, और दादाजी क्या कर रहे थे, दादाजी कैरेट को खींच रहे थे, पर फिर भी कैरेट बाहर आया नहीं। अ गर्ल केम टू हेल्प, शी पुल्ड ऑन ग्रैंडमा। ग्रैंडमा पुल्ड ऑन ग्रैंडपा। ग्रैंडपा पुल्ड ऑन द कैरेट टॉप बट द कैरेट वुड नॉट कम आउट। फिर क्या हुआ, फिर भी दोनों से जब कैरेट बाहर नहीं आया तो एक छोटी सी लड़की उनकी हेल्प करने के लिए आई। उस छोटी सी लड़की ने ग्रैंडमा को खींचना शुरू किया। ग्रैंडमा किसको खींच रहे थे, ग्रैंडपा को खींच रहे थे, और दादाजी खींच रहे थे गाजर के टॉप को, पर फिर भी गाजर पूरी तरह से बाहर आया नहीं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि किस तरह एक छोटी सी बच्ची ग्रैंडमा को खींच रही है, ग्रैंडमा ग्रैंडपा को खींच रहे हैं, और ग्रैंडपा किस तरह से गाजर को खींच रहे हैं, पर अभी भी वो पूरी तरह से बाहर आया नहीं है, थोड़ा थोड़ा बाहर आना शुरू हो चुका है। अ डॉग केम टू हेल्प,
द डॉग पुल्ड ऑन द गर्ल पुल्ड ऑन ग्रैंडमा, ग्रैंडमा पुल्ड ऑन ग्रैंडपा, ग्रैंडपा पुल्ड ऑन द कैरेट टॉप, बट द कैरेट वुड नॉट कम आउट। अब क्या हुआ, अब उन सभी की हेल्प करने के लिए पीछे से एक डॉग भी आ गया। अब डॉग क्या कर रहा है, डॉग गर्ल को खींच रहा है, गर्ल दादी को खींच रही है, दादी दादा को खींच रही है, और दादा क्या कर रहे हैं, दादा गाजर को खींच रहे हैं, पर अभी भी गाजर पूरी तरह से बाहर आया नहीं है। हाँ, वो थोड़ा सा और ज़्यादा बाहर आ चुका है। अब क्या हुआ, अब उनकी हेल्प के लिए एक कैट आ गई। अ कैट केम टू हेल्प, द कैट पुल्ड द डॉग, द डॉग पुल्ड ऑन द गर्ल पुल्ड ऑन द ग्रैंडपा, एंड ग्रैंडमा पुल्ड ऑन ग्रैंडपा, ग्रैंडपा पुल्ड ऑन द कैरेट टॉप, आउट केम द बिग कैरेट। अब जैसे भी कैट हेल्प करने के लिए आई तो उनकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो कैट ने क्या किया, तो स्टूडेंट पिक्चर में हमें दिख रहा है, कैट ने डॉग को खींचना शुरू किया, डॉग ने गर्ल को खींचना शुरू किया, गर्ल दादी माँ को खींच रही थी और दादी माँ दादाजी को खींच रहे थे, और साथ में सभी मिलके कैरेट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। एंड द लास्ट, ओ द बिग कैरेट केम आउट, एक बड़ा सा जो कैरेट फंसा हुआ था जमीन में वो बाहर आ गया। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ये कैरेट कितना ज़्यादा बड़ा है। तो स्टूडेंट्स इस लेसन से हमें क्या समझने मिलता है, बाय द वे ये लेसन तो फन के लिए है, बट इस लेसन से हमें समझ पड़ती है कि हमें कभी भी अगर किसी की हेल्प चाहिए हो तो हमें उस हेल्प के साथ वो काम कंप्लीट करना चाहिए। हमेशा एक साथ ज़्यादा लोगों के होने से काम आसानी से और जल्दी हो जाता है। तो अगर आपको कभी भी किसी की भी हेल्प मांगनी पड़े या कभी भी किसी की हेल्प करनी पड़े तो उसमें बिल्कुल भी पीछे हटना चाहिए नहीं। तो स्टूडेंट्स विद दिस अवर इंग्लिश लिटरेचर पार्ट इज ओवर, सभी के सभी 5 लेसन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। From the next video, we will start our grammar part. Till then, keep studying.